हे hey दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्जाम पैटर्न, किस तरह का एग्जाम पैटर्न होता है। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। आपको पता है सक्सेसफुल योद्धा और अनसक्सेसफुल योद्धा, इन दोनों की मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ। इनमें सिर्फ एक ही फर्क है, जो सक्सेसफुल योद्धा है वो क्या करता है कि युद्ध पर जाने से पहले ही उसकी प्रिपरेशन करता है और बाद में युद्ध में जाके उसे जीतता है। अनसक्सेसफुल योद्धा क्या करता है कि वो युद्ध के लिए जाता है और जीतने का प्रयास करता है। तो आप सब जो है ना मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप सब सक्सेसफुल योद्धा है और आपको उसी तरह से सोचना है। मतलब एग्जाम जो है वो एक युद्ध ही है, जितना आपने लर्न किया है उससे आप क्या करने वाले हो, एग्जाम में जाके युद्ध करके मार्क्स मिलाने वाले हो। तो दोस्तों, अगर आपको किस तरह का पैटर्न या फिर युद्ध जिससे करना है उसका अगर बल पता हो तो आप उससे पहले ही जीत जाते हो। मतलब हमें अब देखना है इस वीडियो में किस तरह से हम मार्क मिलाने वाले हैं, किस तरह का एग्जाम पैटर्न है, हमें कितना स्टडी करना है। और सबसे खास बात मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि जिन स्टूडेंट ने अभी तक बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया या फिर 50% ही किया है, कोई बात नहीं दोस्तों। इससे पहले आपको क्या करना है कि जितना भी आपने कुछ लर्न किया है, मतलब आपको सिर्फ रीड करना आना चाहिए, ठीक है, कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद में मैं कुछ ऐसे वीडियो अपलोड करने वाली हूँ JLPT मराठी में, जहाँ पे आपको सिर्फ उतने ही वीडियो फॉलो करने हैं जिससे आप JLPT एग्जाम पास हो जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ फॉलो करना है। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको और एक बात बताने वाली हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या फिर आप इस वीडियो को फॉलो करने वाले हैं, इस वीडियो के बाद में आने वाले वीडियो फॉलो करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाइएगा, क्योंकि इसके बाद में जो आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आप मिस न करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं पैटर्न किस तरह का होता है। चलिए हे दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं JLPT N5 N4 का जो एग्जाम पैटर्न है वो हम देखते हैं। तो हाजी में माशो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किस तरह का पैटर्न होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे है लैंग्वेज नॉलेज, शब्दार्थ या फिर कांजी, ये दोनों मिला के पेपर आता है लैंग्वेज नॉलेज का पहला, और वो और उसके बाद में लैंग्वेज नॉलेज में ग्रामर या और दोकाई का पेपर होता है। दोकाई यानी कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग का पेपर है। ये दोनों मिला के 120 मार्क के लिए आते हैं, लेकिन हाँ ये दोनों एक साथ नहीं आते, इंडिविजुअल सेपरेट आते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद में आता है लिसनिंग का पेपर, जिसे चौकाई कहा जाता है। चौकाई लिसनिंग का पेपर भी 60 मार्क का होता है। तो देखिए हम सबको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल स्कोर। टोटल स्कोर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 180 मार्क, टोटल जो पॉइंट है वो है 180 मार्क, 60 + 60 + 60 इस तरह से होते हैं। मतलब सबसे पहले जो है मोजीगोई का पेपर, जहाँ पे आपको शब्दार्थ या फिर कांजी आने वाली है या फिर ग्रामर के कुछ पार्ट आने वाले हैं, वो है 60 मार्क के लिए। उसके बाद में रीडिंग का पेपर होता है, रीडिंग के पेपर में भी आपको 60 मार्क का ही पेपर मिलेगा। उसके बाद में आता है लिसनिंग का पेपर, लिसनिंग के पेपर भी 60 मार्क का होता है, कुल मिला के 180 मार्क हो गए। तो देखिए हम पास कब होंगे, तो N4 के लिए हमें 90 मार्क्स मिलाने, ओके? अगर हम 90 मार्क्स मतलब हमें पढ़ते हैं एग्जाम में तो हम पास हो जाते हैं। N5 के लिए हमें 80 मार्क्स मिलवाने हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम पास हो जाएंगे। अभी हम देखने वाले हैं कि 80 और 90, लेकिन हमें इंडिविजुअल पेपर में भी पास होना है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं 120 मार्क का लैंग्वेज नॉलेज का जो पेपर है, एक साथ नहीं आता, ठीक है, डिवाइड करके आता है, वो मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। अभी हम देखेंगे 120 मार्क का जो पेपर है, वहां पे हमें 38 मार्क्स मिलवाने, दोनों साइड पे N4 है या फिर N5 है, दोनों में हमें 38 मार्क मिल जाने चाहिए, तभी हम उस लेसन में या तभी हम उस पेपर में पास हो जाएंगे। अगली बात है, देखो यहाँ पे लिसनिंग का जो पेपर है, लिसनिंग के पेपर में क्या 60 मार्क का पेपर है, 60 में हमें सिर्फ 19 मार्क्स मिलवाने हैं,
अगर हमें 19 मार्क्स मिलते हैं तो हम पास हो जाते हैं, लेकिन जब आप देखोगे 38 प्लस 19 मार्क्स जब हम कुल मिला के उनकी उनको देखते हैं तो उनकी जो बेरीज है तो वो इतनी नहीं आती। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा ज्यादा स्कोर करना है, तो वो ध्यान में रखिएगा। और देखते हैं हम किस एग्जाम पेपर में ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं हमें, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये जो है लैंग्वेज नॉलेज का वोकैबुलरी कांजी का जो पेपर आता है तो वो देखेंगे, वो है 25 मिनट्स के लिए, ठीक है, 25 मिनट्स के लिए पेपर है। N4 का जो पेपर है ना वो 30 मिनट्स का होता है, आधा घंटा लगता है उसको। तो वहां पे हमें क्या आना आता है, मतलब उस एग्जाम पेपर में हमें तो शब्दार्थ आते हैं और कांजी आती है और ग्रामर का कुछ पार्ट होता है वो भी आ जाता है। तो बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी वो पेपर चला जाता है। ये जो लैंग्वेज नॉलेज का फर्स्ट पेपर है वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग का पेपर है, ठीक है, आप उसमें बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो। किस तरह से स्कोर करना है आप बने रहिए, मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगी। उसके बाद में जो सेकेंड सेक्शन है वहाँ लैंग्वेज नॉलेज का ही है, वहां पे आपको ग्रामर और रीडिंग दिखाई देगा। रीडिंग में आपको पैसेज होगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपका, ये दो पार्ट में, ये अलग अलग नहीं आता आपको। 50 मिनट्स का पेपर होता है और हाँ यहाँ पे ध्यान में रखिए N4 के लिए 1 घंटे का पेपर है, ठीक है, और N5 के लिए 15 मिनट्स का पेपर है। तो कम ज्यादा होता है लेकिन टाइप जो है वो उसी तरह से होता है, ग्रामर और रीडिंग एक साथ आपको आ जाता है। थर्ड सेक्शन तीसरा जो पेपर है वो है चौकाई का। यहाँ पे आपको कोई भी टाइम मैनेजमेंट नहीं करना क्योंकि टाइम तो उन्होंने दिया हुआ है 30 मिनट्स का। एक बार चौकाई अगर स्टार्ट हो गई तो आपको पूरा उनका आंसर देकर ही बाहर निकलना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने वाली चीज क्या है कि जब भी आप लिसनिंग करने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि लिसनिंग में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और हाँ क्वेश्चन टाइप कितना कैसा आने वाले हो। तो मैं आपको ये पूरी की पूरी डिटेल देने वाली हूँ, तो आप ध्यान से देखिए और उसी तरह से आपका स्टडी जो है वो स्टार्ट कीजिए। देखिए N5 और N4 शिकेन नाइयो देसने, शिकेन नाइयो, शिकेन का मतलब है एग्जाम, नाइयो का मतलब है कंटेंट, शिकेन नाइयो। तो यहाँ पे ही मैंने स्टार मार्क जो दिया है ना, तो एग्जाम में स्टार मोंदाई भी आती है, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स देते हैं। देखो एक पूरा सेंटेंस है, सेंटेंस में जितने वर्ड्स है ना वो बहुत ही बिखरे हुए देते हैं, लेकिन सबसे पहले तो वाताशी आता है, वाताशी के बाद में वा आना चाहिए, तो ये पूरा बिखरा हुआ होता है उसे हमें जोड़ के पूरा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। आपकी पूरी तैयारी में करके लूंगी, तो सो डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन। सो चलिए अब देखेंगे गेंगो चिशी की मोजी गोई। ये फर्स्ट पेपर है गेंगो चिशी की मोजी गोई, मोजी गोई वोकैबुलरी यहाँ पे आती है। 25 मिनट्स या आधा घंटे का पेपर होता है। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन, सबसे पहले तो हम देखेंगे इस टाइप में क्वेश्चन होते हैं। ये जो लास्ट का क्वेश्चन है ना, ये N5 के लिए नहीं है, N5 के लिए सिर्फ 4 क्वेश्चन होते हैं। ये सबसे पहले तो आपको देखना है कांजी नो योमी खाता, कांजी दी होती है, कांजी किस तरह से रीड की जाती है उसका रीडिंग दिया होता है, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है वहां पे क्या किया है कि आपको हिरागाना में दिया होता है या फिर हाँ यस हिरागाना में दिया होता है, वो आपको कांजी या फिर काताकाना में किस तरह से लिखा जाता है वो आपको सिलेक्ट करना है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि तादाशी इमी, आपको एक सेंटेंस दे देते हैं और उसमें आपको मीनिंगफुल एकाध शब्द भरना होता है, उसमें भी ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करके वहां पे भरना है। तो यहाँ पे बात एक ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम में आपको कहीं पे भी डिटेल आंसर नहीं देने, आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे जो सर्कल होते हैं उसे डार्क करना होता है, ठीक है, तो ये बात आप अपने ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में ओनाजी इमी, सिमिलर अर्थ का जो शब्द है या फिर सेंटेंस है वो आपको सिलेक्ट करना है। ये जो डिटेल है मैं सारे के एक एक एग्जाम्पल आपको देने वाली हूँ। उसके बाद में N4 के जो स्टूडेंट है आप सब सुन लीजिएगा, आपके लिए ये जो क्वेश्चन है वो अलग से आता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, तो एक शब्द या फिर हाँ यस
एक शब्द आपको दिया जाता है और उस शब्द का सिमिलर अर्थ या फिर वो शब्द किस तरह से सेंटेंस में यूज किया जाता है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो N4 के जो स्टूडेंट है उनको पहले से ही थोड़ी सी जानकारी रहती है क्योंकि उन्होंने N5 का एग्जाम दिया है। और अगर कोई डायरेक्टली N4 दे रहा तो आप ये ध्यान में रखिएगा। और हाँ, आप इसी तरह से हमारे चैनल में बने रहिए क्योंकि ये जो सारी प्रैक्टिस है मैं आपने इस चैनल में लेने वाली हूँ, ठीक है। और हाँ, अगर आप एग्जाम दिसंबर में देने वाले हो या फिर जुलाई में देने वाले हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए कुछ प्रिपरेशन करूँ और जल्दी से जल्दी सारे वीडियो अपलोड करूँ। चलिए आगे हम देखेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था मोजी गोई का जो पहला क्वेश्चन है वहां पे कांजी नो योमी खाता रहता है। कांजी नो योमी खाता मतलब कांजी दी होती है। देखो क्वेश्चन में कांजी दी है और हमें कांजी का एक्चुअल जो मीनिंग है, एक्चुअल जो रीडिंग है हिरागाना में, उसे सिलेक्ट करना है। तो कौन सी कांजी है? यासुई। वेरी गुड, यासुई नो कांजी देस ने, यासुई। तो यहाँ पे आपको पूरा सेंटेंस रीड नहीं करना, आपको जहां पे अंडरलाइन किया है ना उतना ही रीड करना है ताकि आप अपना समय बचा सके, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड वन देखिए कौन सी कांजी है। वेरी गुड, ईए की कांजी है। ईए का मतलब है हाउस। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, पूरा सेंटेंस नहीं रीड करना, लेकिन हाँ आपको देखना जरूर है कि नीचे दिए हुए जो ऑप्शन है ना उनमें से आप ऑप्शन जो है ना वो ठीक तरह से सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे मैंने उसी आंसर को क्या किया, सर्कल किया। लेकिन आपको एग्जाम में आंसर शीट दी जाती है वहां पे आपको सर्कल करना है, तीन आंसर है तो तीन पर ही सर्कल करना है, तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन मोजीगोई में सेकंड क्वेश्चन क्या होता है कि मोजिनो खाकी खाता। आपको क्या किया है कि हिरागाना में यहाँ पे दिया है अंडरलाइन करके थाकाई। थाकाई किस तरह से कांजी में लिखा जाता है आपको सिलेक्ट करना है। तो कौन सा आंसर है आप बताइए मुझे। वेरी गुड, सेकेंड देश ने थाकाई। ये जो यहाँ पे कांजी है ना तो ये अलग कांजी है, तो आप ये फुरुई का कांजी है, ये ऐसे कुछ रीडिंग नहीं है कि ई बाद में आ जाए। तो इसी तरह से आप खुद नोट बना लीजिए, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाते हो तो आपको जब भी एग्जाम आएगी तो रिपीट अगर क्वेश्चन हो जाता है तो आपको वो सॉल्व करने में बहुत आसानी से आप उसके मार्क्स मिलवा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कोदोमो। कोदोमो नो कांजी वा दोन्ना कांजी देश का, कौन सी कांजी है कोदोमो। वेरी गुड, यहाँ पे अगर आपको ये पता हो तो आप वहां पे फुल मार्क्स मिलवा सकते हो। उसके बाद में हम जाएंगे तादाशी इमी। हमें जो परफेक्ट उसका मीनिंग है वही शब्द हमें वहां पे भरना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें पूरा सेंटेंस रीड करना है, जैसे कि वाताशी वा इमोतो। इमोतो मतलब मेरी छोटी बहन। वाताशी वा इमोतो तो डैश डैश दे सुंदे इमा। सुंदे इमास का मतलब है मैं उसके साथ में रहता हूँ। सुमु का मतलब है टू लिव। तो क्या है, तो फुतारी। फुतारी देश ने, फुतारी दे सुंदे इमास। दे पार्टिकल हम कब यूज करने वाले हैं, जब भी हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हितोरी दे, फुतारी दे, सानिन दे, गोनिन दे, मिन्ना दे, जेम्बू दे। तो दे पार्टिकल का यूज भी आपको पता होना चाहिए। और हाँ, जब काउंटर हम देख रहे हैं तो काउंटर हितोरी फुतारी, उसके लिए काउंटर हम कौन सा यूज करने वाले, तो यहाँ पे फुतात्सु, फुत्सुका, फुत्सु। फुत्सु का मतलब है ऑर्डिनरी, ठीक है, बहुत ही साधारण वगैरह, उसके लिए यूज किया जाता है। तो सर हमारा आंसर है फुतारी। तो ये एप्रोप्रिएट जो आंसर है ना वो आप सिलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड वन भी देखेंगे। ओ हीता नो दे नानी नानी, ओ हीता नो दे गाको, ओ यासुन दे उची दे नेते इमाश्ता। क्या हुआ है कि नानी ओ हीता, क्या काजे ओ हीता नो दे, काजे ओ हिको मतलब सर्दी खांसी होना, काजे ओ हिकु सर्दी होना, गाको ओ यासुंदे उचिनी नेते पाचता मतलब सर्दी हुई है इसलिए मैंने स्कूल को छुट्टी ली और मैं घर पे क्या कर रहा हूँ, अब रेस्ट कर रहा हूँ या फिर सो रहा हूँ। तो इसी तरह से ये जो है वो यूज किया जाता है। चलिए उसके बाद में हम देखेंगे। तो यहाँ पे योम्बान देश ने फोर जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कहा है, ओनाजी इमिनो गुन। हमें सिमिलर शब्द का जो सिमिलर अर्थ का सेंटेंस जो है ना उसे सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे कहा है कोकोवा तोशोकान देश। तोशोकान का क्या मतलब है,
लाइब्रेरी, वेरी गुड, कोकोवा तोशो कांदेस, यहाँ पे लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं, कोकोवा होन ओ खाऊ तो कोरो देस, खाऊ का मतलब है बाय करना, हम लाइब्रेरी में बुक्स बाय नहीं करते, क्या करते हैं, बुक बोरो करते हैं, तो बोरो करने के लिए कौन सा वर्ड है, खारीरु, तो देखिए निबान खारीरु तो कोरो देस, तो आंसर निबान है, लेकिन हम आगे के रीड करेंगे, कोकोवा हितोनी आउ तो कोरो देस, लोगों को हम कहाँ पे मिलते हैं, कॉफी शॉप है या फिर कहीं पे, घर पे भी मिलते हैं, गार्डन में मिलते हैं, तो वो भी आंसर नहीं है। दूसरा, कोकोवा हितो तो हनासु तो कोरो, मतलब ये जो पैसे यहाँ पे तुम लोगों से बात कर सकते हो, लेकिन तोशोवान में हम लोगों से बात नहीं करते, हम क्या करते हैं, बुक बोरो करते हैं, सो करेक्ट आंसर जो है वो निबान, अगर आप करेक्ट आंसर सिलेक्ट करोगे तो आपको वहां पे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो ध्यान में रखिए, चलिए आगे देखते हैं, आगे हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 5, और ध्यान में रखिए N5 के लिए क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ N4 के लिए है, तो यहाँ पे क्या है, तोकोया, अगर आपको इस मुझे जो इस शब्द का अर्थ पता हो तो वो शब्द किस तरह से यूज किया जाता है सेंटेंस में वो आपको पता होगा, तो आपको उसी तरह से मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कोतोबा नो त्सुकाई खाता, किस तरह से वो शब्द यूज किया जाता है, तोकोए का मतलब क्या है, जहाँ पे बाल कट करवाए जाते हैं, तो क्या कहा जाता है, सलून कहा जाता है ना, उसे बार्बर कहा जाता है, तो यासाई ओ खाईनी तोकोया इकिमाशिता, यासाई ओ खाईनी, यासाई मतलब वेजिटेबल, हम बार्बर के यहाँ पे मतलब यासाई वेजिटेबल लाने के लिए नहीं जाते, तो क्या करते हैं हम, खामी नो के ओ किरीनी देश ने, खामी मतलब हेयर, किरी मतलब क्या, उसे कट करना, खामी नो के ओ किरीनी तोकोया ए इकिमाशिता, उसके लिए गए, तो आंसर नंबर 4 मतलब करेक्ट आंसर है। उसके आगे के हम देखेंगे, हा ओ इता का तनो दे, मतलब हा मतलब टित, टित इता का तनो दे तोकोया ए इकिमाशिता, देखो मेरे टित जो है वो दर्द कर रहा है, इसलिए मैं तोकोया में गई, बार बार क्या या फिर सलून में मैं जाने वाली नहीं हूँ, मैं कहाँ पे जाऊंगी, हा ईशा, हा ईशा का मतलब है डेंटिस्ट, ओके, तो सिमिलर जो शब्द है ना वो भी आप कहीं पे नोट करके रखिएगा। तो चलिए मोजीगोई का तो यहाँ पे पूरा आपको पता होगा, किसी तरह से क्वेश्चन आते हैं तो 5 या फिर 4 शब्द आते हैं उनका आपको आंसर देना पड़ता है। उसके बाद में हम देखेंगे दोकाई, दोकाई में हम देखेंगे कि सबसे पहले मिजिकाई बुनशो योमु दोकाई होती है, तो ये आपको दोकाई आ जाएगी, साधारणतः 3 दोकाई होती है, बहुत ही सिंपल होती है, 2-3 सेंटेंस होते हैं और उसमें एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो 3 दोकाई होती है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में सुकोशी नागाई बुनशो, सुकोशी नागाई का मतलब थोड़ा सा बड़ा बुनशो होता है और एक बुनशो में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जो दोकाई है वो एक दोकाई आपको 100% आ जाती है, ओके, वन और ओन, एक दोकाई में 2 क्वेश्चन, वेरी गुड। और तीसरा जो है यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, आपको एक माहिती पत्रक दिया जाता है, पैम्पलेट उसे कहा जाता है, तो वो माहिती पत्रक आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप देख के एक क्वेश्चन का आंसर देना है, तो वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मार्क के लिए होता है, 5 या 6 मार्क के लिए होता है, तो वो दोकाई सॉल्व करना है भी बहुत आसान है, मैं आपकी पूरी तैयारी करके लूंगी, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो इसी तरह से दोकाई जो है वो 60 मार्क का एग्जाम पेपर होता है, ध्यान में रखिएगा, 60 मार्क, तो हमें दोकाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में गेंगो चिशिकी बुम्पो दोकाई जो हमने अभी देखा, तो उसमें देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे दोकाई का जो मैंने मिजिकाई बुंशो आपको बताया था उसमें क्या आता है, सबसे पहले तो वहां पे पार्टिकल का क्वेश्चन आता है, पार्टिकल आपको भरने है तो पार्टिकल का क्वेश्चन रेडी करके रखिएगा, 7 या फिर 8 मार्क के लिए पार्टिकल आपको आ जाते हैं। उसके बाद में स्टार मुंदाई होती है, जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ वर्ड्स जो है ना वो बिखरे बिखरे होते हैं, देखो यहाँ पे फुजीसान, यहाँ पे कौन सा वर्ड हमें वहां पे फिट करना है वो हमें देखना है, तो हमें वो पूरा सेट करते एक एप्रोप्रिएट सेंटेंस रेडी करना है, और यहाँ पे हमें कौन सा वर्ड वहां पे बिट जाता है ना तो उसे सिलेक्ट करना है, सिंपल है, बहुत ही आसान है। उसके बाद में मैंने बताया था थोड़ा सा नागाई बुनशो आता है, वहां पे एक दोकाई आपको दी जाएगी और दोकाई में कुछ वर्ड्स आपको
भरने हैं, मतलब पार्टिकल दे होता है या फिर फॉर्म होते हैं वर्ब के, मास फॉर्म, प्रेजेंट टेंस, मास फॉर्म होता है, पास्ट टेंस में किस तरह से यूज करना है या फिर ते फॉर्म किस तरह से यूज किया जाता है वो होता है, तो वो भी आपको भरना है। एक सैंपल पेपर जो है ना, तो हमारा जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में सेक्शन जो है वहां पे मैंने एक सैंपल पेपर जो है ना वहां पे दिया है, तो वो आप उसे डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन किस एग्जाम पेपर में आ जाते हैं, और कहीं पे तो नोट करके रखिएगा, ठीक है। जरूर डाउनलोड कीजिए और उसे सॉल्व कीजिए। उसके बाद में हिस्सियो ना तो करो सागासु, ये जो दोकाई मैंने आपको बताई थी ये एडवर्टाइज की दोकाई होती है, तो एडवर्टाइज है उसे आपको रीड करके क्वेश्चन का आंसर देना है, ये आपको ये एक दोकाई आ जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे चौकाई का पेपर। यस, चौकाई लिसनिंग का पेपर, यहाँ पे आपको कोई मैनेजमेंट नहीं करना है क्योंकि खुद उन्होंने 30 मिनट्स का मैनेजमेंट ऑलरेडी किया हुआ है। क्वेश्चन आते हैं 4, हर एक क्वेश्चन में सब क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 में 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 2 में 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं, 3 में 4 आते हैं, 4 क्वेश्चन में 5 या 6 आते हैं, इसी तरह से उन्होंने मैनेजमेंट किया हुआ है। अगर आप वो पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आपको वहां दिखाई देगा। उसके बाद में हिस्सियो ना तो करो सागो, 2 शुरू का क्या करना है आपको, तो हम सीक्वेंस देखेंगे। सबसे पहले तो 2 शुरू का पहला जो क्वेश्चन आपको आता है, यहाँ पे 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पे क्या होता है आपको यहाँ पिक्चर दिए होते हैं 1 2 3 4, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और खाइवा स्टार्ट होता है, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है कि वो लोग किस पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको देखना है वो जो बात कर रहे हैं यहाँ पे जो पिक्चर है ना उनमें से कौन सा पिक्चर है, और उस पिक्चर को हमें सिलेक्ट करना है, और जो आपको आंसर शीट दिए वहां पे हमें डार्क सर्कल करना है। तो बहुत इजी है, चौकाई में बहुत ज्यादा जोक होते हैं, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है आपकी, तो चौकाई का पेपर बहुत बहुत इजी है। चलिए सेकेंड वन देखेंगे, हित्सियो ना तो करो ओ क्या किया है किकू, 2 लोग बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो आपको वो देख के और वो सुन के एप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करना है, ठीक है। और सबसे जरूरी बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप लिसनिंग करने वाले हो ना तो कहीं पे तो नोट करके लिखिए, जरूरी नहीं है कि नोट आप जापनीज में लिखो, आप खुद के लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखो, मराठी में लिखो, हिंदी में लिखो, कोई बात नहीं है, आपको जिस लैंग्वेज में लिखना बहुत आसान जाएगा ना उसी लैंग्वेज में आप नोट्स बना दो, ठीक है। क्वेश्चन लिसन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपने क्वेश्चन मिस किया तो आप जो कुछ भी लिसन करोगे वो पता नहीं चलेगा, लेकिन एक बात ऐसे कि जैसे कि स्टार्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरह से जब भी वो लिसनिंग खत्म होने वाला है उसी टाइम पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इस चैनल में बहुत ही चौकाई की प्रैक्टिस जो है ना उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आप उसे जरूर सुनिएगा, तो आपको एक अंदाज आ जाएगा किस तरह से एग्जाम में लिसनिंग का पेपर आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे आपको रीडिंग करने के लिए कुछ सेकंड उन्होंने दिए होते हैं, तो उस सेकंड का आपको यूज क्या करना है, तो उसी सेकंड में आपको फटाफट से ये रीड करके रखना है ताकि आप जब चौकाई स्टार्ट हो तो आप ठीक तरह से वो शब्द जो है वो कैच करो। आपको बोलना है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, आपको जो एरो उन्होंने बताया है तो वो आदमी क्या कहेगा ये आपको बोलना है। देखो अंदर तो टीचर है, केंक्यू शित्सु मतलब रिसर्च रूम है, तो मैं नॉक नॉक कर रही हूँ, तो जब भी हम नॉक नॉक करके अंदर जाने वाले हो तो क्या कहेंगे, हम सुमिमा सेम कहेंगे, तो शित्सुरे शिमास जो वर्ड है ना वो मतलब सॉरी कहेंगे ना कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया, तो शित्सुरे शिमास वर्ड है ना वो आपको वहां पे बोलना है, तो वो आपको ऑप्शन देंगे, खुद तुमको कुछ सोचना नहीं, ऑप्शन देंगे, अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो आपको सिलेक्ट करना है, आसान है, ये आपके हाथ के मार्क से आपको मिल जाएंगे पूरी तरह से।
हाँ, योमबान। योमबान में आपको क्या करना है, देखिए योमबान में आपको कुछ भी दिया नहीं होता, सिर्फ लिसनिंग करना है। क्वेश्चन वही पूछेंगे, ऑप्शन वो खुद देंगे, आपको सिर्फ लिसन करके एप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करना है। बहुत सिंपल है, देखिए कुछ भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, और कुछ बहुत ज्यादा हेवी तुम्हारे मतलब हेड पर हुआ है ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिस इस रिलेटेड सारे वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ कुछ ही दिनों में। तो आप अगर एग्जाम देने वाले हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो रेडी करूँ। और हाँ, ये जो सारी वीडियो है अगर आप फॉलो करते हो तो आप JLPT में 101% पास हो ही जाओगे। ठीक है, तो अरिगातो गोजाइमाशिता मिनासान, थैंक यू सो मच। स्टडी करते रहिएगा, अगर आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ और मटेरियल चाहिए या फिर कुछ पूछना है, कुछ ग्रामर पैटर्न क्लियर नहीं है, तो आप कभी भी हमारा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पे जाके हमें कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, आपको पूरा गाइडलाइन जो है वो मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा फटाफट से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप आगे चलने वाले आगे आने वाली जो वीडियो है वो मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।